हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, इनको आज मैंने जल्दी से दाना पानी डाल दिया और सॉफ्ट फूड भी सर्व कर दिए। उसकी वजह यह है कि आज मैंने जो है अपनी ज़मीन पर जाना था, तो सोचा क्यों ना आपको भी अपने बाग का विज़िट करवाऊँ। तो अभी बिना टाइम के ज़ाया किए निकलते हैं अपने ज़मीन की तरफ। तो फाइनली दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी ज़मीन पर पहुंच गए। ये आपको कमाद की फसल नज़र आ रही है, जिसको गन्ना भी बोलते हैं। ये घरों में जो चीनी इस्तेमाल होती है, इसी गन्ने से बनती है। और वो दूर आपको किनू माल्टे के दरख्त भी नज़र आ रहे होंगे। वैसे तो ये जिस ज़मीन में अभी एंटर होने लगा हूँ, इसमें भी ये सारा बाग ही था, लेकिन इस वाली ज़मीन को पानी बड़ा मुश्किल से लगता था, तो इसकी ना मट्टी निकलवाई थी, जिस वजह से ये सारा बाग फिर उखाड़ना पड़ा। दोस्तों ये सारा बाग मैंने कॉलेज दौर में लगाया हुआ, तब मुझे ज़मींदारी का बड़ा शौक़ था, ख़ासकर ये फलदार दरख्त लगाने का। एक मतलब आम भी लगाए थे, लेकिन वो जो है इधर गीदड़ वगैरह होते हैं, तो वो सारा कुछ उखाड़ के ले गए। इधर भी आपको काफ़ी पौधे जो है वो मिसिंग नज़र आ रहे होंगे, और कुछ नए पौधे लगे हैं। उसकी वजह यही है कि इसकी देखभाल अच्छे से हो नहीं सकी। मैं यूनिवर्सिटी में चला गया और फिर काफ़ी दरख्त सूख गए। नए पौधे तो लगा दिए हैं, लेकिन अभी इनको फल देने में काफ़ी टाइम है। चलते चलते मेरी नज़र ये नींबू के दरख्त पे पड़ी। वैसे इसको जब लगाया गया था तो ये कीनू का दरख्त समझ के ही लगाया गया था, लेकिन बाद में ये नींबू निकला। इस पे देखे माशाल्लाह कितना ज़्यादा फल लगा हुआ। तो ये है जी वो कैंची, जिसकी मदद से किन्नू को दरख्त से तोड़ा जाता है। वैसे तो आप हाथ से भी तोड़ सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप इस तरह की कैंची का इस्तेमाल करें।
दोस्तों ये था आज का हमारा व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसको लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें और अपने फ्रेंड में शेयर भी करिएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।